लाभदायक है। मेरी वीडियो का माध्यम व्यू को समझें और शांत बैठ जाएं और ज़्यादा अपने में टेंशन ना लें, तो उस साइकोलॉजी को भी पकड़ेंगे। तो फिर भाग गए तो जैसे मैंने भेज दी, अगर कल फिर भाग गए तो, लेकिन मेरे पास क्या है, दूसरे अकाउंट में वो शेयर पड़े हैं। NHPC मेरे अकाउंट से निकल गए पर दूसरे अकाउंट में वो पड़े हैं। अगले दिन 12 रुपये भागा, वो अच्छा हो गया। ये तो फिर हम तो कठपुतली हैं जी शेयर मार्केट की। तो FIs जब अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं, आपको उस स्थिति पे ले जाना है जिस स्थिति में आपका माइंड ये बोल रहा हो कि मैंने इस शेयर से पहले प्रॉफिट लिया है और जो मेरे शेयर पड़े हैं आधे प्रॉफिट और आधे मेरी अमाउंट लगी है। एकदम ख़राब कर दोगे बिना ये सोचे समझे कि उससे पहले वो रिश्ते और वो क्या क्या चीज़ें हमारे साथ लाभदायक थी। आगे आप कहीं घूमने जाना है, आप सोचोगे भाई प्रॉफिट आ रहा है मुझे, ऐसी सिलेक्शन मैंने शेयरों का कर लिया, प्रॉफिट दे रहा है भाई मेरा पोर्टफोलियो, ठीक है। तो वो क्या होता है, ये अटक गया, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि ये कहाँ से आकर यहाँ पर अटका है। जब अटका है, जब कोयले की डिमांड और बिजली की मांग बढ़ती जा रही है, तो नमस्कार, मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे वेदांता के रिजल्ट पर और वेदांता के आगे के व्यू पर, बात करेंगे LIC और बात करेंगे HDFC बैंक की, दोनों के व्यू को आज हम जानेंगे। और जो न्यूज आप सबने देख ली कि 9.99% की होल्डिंग यानी स्टेक को बढ़ाने की चीज़ें HDFC बैंक में उसकी मंजूरी मिल गई, उसकी वजह से क्या व्यू हमारे आगे की तरफ होने चाहिए, उस चीज़ की साइकोलॉजी को आज हम पकड़ेंगे। और बात करेंगे JP पावर के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं सर ये तो एक जगह अटक गया, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि ये कहाँ से आकर यहाँ पर अटका है। जब अटका है, जब कोयले की डिमांड और बिजली की मांग बढ़ती जा रही है, तो उसके बारे में आज हम फिर से समझेंगे, क्योंकि कुछ व्यू को समझना और फिर शांत बैठना लाभदायक है। मेरी वीडियो का माध्यम व्यू को समझें और शांत बैठ जाएं और ज़्यादा अपने में टेंशन ना लें, तो उस साइकोलॉजी को भी पकड़ेंगे। और पकड़ेंगे IEX में अब हम क्या करें। वैसे मैंने आज सुबह उसकी वीडियो डाल दी थी, फिर भी काफ़ी मेरे पास कॉल आ गई सर क्या करें, सर अब क्या करें, इसमें रखें या करें, तो उसके बारे में भी आज हम फिर से एक अलग विधि के अनुसार समझेंगे और उस विधि को आपको समझना पड़ेगा। और इन सारी विधियों के बाद और सब अपना अपना पोर्टफोलियो तो बना ही लेते हैं, पर उस पोर्टफोलियो के साथ हमें रहना कैसे, कैसे बर्ताव करना है, वो आपके मन के अनुसार होता है। यानी कि अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में जब प्रॉफिट आ रहा है तब आप खुशी के साथ हर जगह दिखोगे, आपका प्रॉफिट आ गया, आप कहीं घूमने जाना है, आप सोचोगे भाई प्रॉफिट आ रहा है मुझे, ऐसी सिलेक्शन मैंने शेयरों का कर लिया, प्रॉफिट दे रहा है भाई मेरा पोर्टफोलियो, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो तेज़ी वाली खुशी है आपके अंदर। उसने क्या करा, उसने आपके दिल में एक ऐसी चीज़ डाल दी कि मेरा जो पैसा है वो डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, बढ़ रहा है, अच्छा करेगा, ये करेगा, वो करेगा। और जहाँ एक गिरावट आई तो आपका दिल टूट जाएगा और उस गिरावट को देखकर आप हबड़ा तबड़ी में अपने पोर्टफोलियो को ख़राब कर लेंगे। पोर्टफोलियो को बना सब लेते हैं पर ख़राब कब होता है, जब हम अपने मन की स्थिति को नहीं जान पाते। देखा आपने, कभी भी कुछ चीज़ आपकी अच्छी है पर एकदम से आपके अंदर कोई प्रॉब्लम आई, आपको कोई निगेटिव चीज़ लगी, आप उस रिश्तों को, उस चीज़ को एकदम ख़राब कर दोगे बिना ये सोचे समझे कि उससे पहले वो रिश्ते और वो क्या क्या चीज़ें हमारे साथ लाभदायक थी। गहरी बात बता रहा हूँ, शेयर मार्केट के हिसाब से ना समझें, ना रिश्तों के हिसाब से, दोनों के हिसाब से समझें इसको। एक चीज़ की तरफ नहीं मैं काम करता हूँ, मैं रिश्तों के लिए भी काम करता हूँ, ज़िंदगी के लिए भी, बिजनेस के लिए भी, व्यवहार के लिए, आदत के लिए, और तो और शेयर मार्केट के भी लिए। तो क्या है, हमारे अंदर की स्थिति, हमारे मन की स्थिति, हमारे दिल की स्थिति, अपने पोर्टफोलियो को रखना और बेकार करने में एक पल लगेगा उसका जब गिरावट होगी। आज मेरे पास एक कॉल आया, उसने कहा सर मैंने NHPC 66 रुपये में और कहीं कहीं शेयर बता दिए और उनको अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है। कह रहे मैंने अभी आपकी वीडियो नवंबर से देखनी शुरू करी थी तो मुझे प्रॉफिट आ रहा है बढ़िया।
अब मैं क्या कर सकता हूँ? देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, लंबे समय का विषय अगर हमारे अंदर है तो वो दृढ़ होना चाहिए। वो दृढ़ इसलिए होना चाहिए, कभी भी गिरावट निरंतर नहीं होती, और कभी भी गिरावट के बाद जो तेज़ी है वो भी निरंतर नहीं होती। तो क्या सिचुएशंस होती है कि जब हम अपने प्रॉफिट को देख लेते हैं हमें अच्छा लगता है, और जब वो गिरावट होगी तो वहाँ पर भी आपको ये सोचना है मेरा लंबे समय का विषय है। और अगर आपके विषय लंबे समय के एकदम से गिरावट में शॉर्ट में बदल जाते हैं, तो फिर इसका एक सलूशन है कि अपने माइंड को आपको उस स्थिति पे ले जाना है जिस स्थिति में आपका माइंड ये बोल रहा हो कि मैंने इस शेयर से पहले प्रॉफिट लिया है, और जो मेरे शेयर पड़े हैं आधे प्रॉफिट और आधी मेरी अमाउंट लगी है, और इसके अंदर से आधा अमाउंट और आधा प्रॉफिट मैं निकाल चुका हूँ। मान लो आपके पास 1100 NHPC के शेयर हैं, आपको लगता है बहुत ऊपर की तरफ आ गए हैं, और साथ साथ डर भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं गिरावट ना हो जाए, और निरंतर आपको समझना है गिरावट के साए में हमें चलते रहना है। जब तक कि हम गिरावट के साए में नहीं रहेंगे तब तक के वैल्यू नज़र नहीं आएगी अपनी। अगर आपके 1100 शेयर आपने लंबे समय के लिए बनाया तो बहुत अच्छा, अगर आपने देखा कि भाई आगे गिरावट भी हो सकती है फिर भी आपने उसमें से कुछ प्रॉफिट नहीं लिया, फिर क्या होगा, जब वो गिरावट आ जाएगी तो वो जब शेयर नीचे की तरफ आएंगे आप सारे निकाल दोगे, सब गैप कर दोगे, पहले अमाउंट भी गैप कर दोगे। यानी जो प्राइस में हम 66 रुपये में किसी शेयर को लेकर बैठे हैं और लंबे समय का विषय है, तो वो 66 रुपये का प्राइस जब शेयर आपका 80 रुपये के करीब हो तो आप 66 रुपये के प्राइस को खो दोगे अगर आप सारे के सारे शेयर बेचते हो, फिर जब खरीदोगे जब वो रेट आपको कहीं भी मिलेगा। तो यहाँ पर अपने माइंड को समझाना है, साथ साथ प्रॉफिट भी लेना है, साथ साथ रख कर भी चलना है। और जब ये स्थिति में आप आते हो आपका पोर्टफोलियो कभी ख़राब नहीं होगा, होने का ही नहीं खराब। क्यों नहीं होने का? क्योंकि आपको लगता है मदर संसूमी अभी भागा, अगर एक ही होल्डिंग है बेच दी तो कल को फिर भाग गया, तो जैसे मैंने बेच दी अगर कल फिर भाग गया तो, लेकिन मेरे पास क्या है, दूसरे अकाउंट में वो शेयर पड़े हैं, NHPC मेरे एक अकाउंट से निकल गए पर दूसरे अकाउंट में वो पड़े हैं, इन्फीबीम मेरे एक अकाउंट से निकल गए पर दूसरे अकाउंट में वो पड़े हैं। तो ये स्थिति होती है, अपने पोर्टफोलियो को अपने साथ अच्छी तरह से समझना है, उसे माइंड के अनुसार खेलना है, और जिस दिन आपने माइंड के अनुसार अपने पोर्टफोलियो को समझा आप बहुत अच्छे हो जाओगे। FIs यहाँ से निरंतर बिकवाली कर रहे हैं, सोचने का विषय बनता जा रहा है। FIs को हम बड़ा चीज़ें मानते हैं, बड़े ज्ञानी मानते हैं, पर वो लगातार किस वजह से बिकवाली कर रहे हैं, या तो वो दो चीज़ों को भाप गए, बजट से पहले ख़रीदारी या फिर इलेक्शन से पहले ख़रीदारी, इस वजह से भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि हर एक चीज़ इस टाइम हाई पर है, चाहे वो गवर्नमेंट शेयर हो चाहे वो अन्य शेयर हो। जब तेज़ी होती है तो सब कुछ अच्छा लगता है भाई, और जब गिरावट होगी वही शेयर बेकार लगे। अभी HFCL जब ये गिरा था तो मेरे दोस्त ने कहा था सर मुझे बेकार लग रहा है, कुछ लोगों ने कहा मुझे बेकार लग रहा है, अगले दिन 12 रुपये भागा वो अच्छा हो गया। ये तो फिर हम तो कठपुतली हैं जी शेयर मार्केट की। तो FIs जब अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं इसके भी मायने होते हैं, क्योंकि वो दोबारे आते हैं, दोबारे निकल कर आते हैं, वो मौके की तलाश करते हैं, व्यू की तलाश करते हैं, उनके सामने एक व्यू आ गया बजट पर। पूरा इंडिया जो शेयर मार्केट पे काम करता है डिपेंड हो रहा है बजट पर, और वो सोच रहा है कि बजट पर तेज़ी तो आएगी, लाजमी आएगी, क्योंकि तेज़ी के लिए ही तो बजट होता है। बजट में कुछ अच्छे अच्छे सेक्टरों के बारे में बताए जाएंगे, वो भागेंगे, लाजमी भागेंगे। तो वो एक स्थिति होती है कि क्यों भाई हम अपनी स्थिति को समझ कर राइट टाइम पर एंट्री हम क्यों नहीं करते। तो विषय एक ये है बजट का, और एक बजट का है, एक दूसरा है वो है इलेक्शन का, क्या वो अपनी बिकवाली कब बंद करेंगे, यह देखने का माध्यम हो सकता है हमारे लिए। तो हमें मार्केट में संभल कर चलना है। दूसरा आपको एक बताऊं, IEX पे आज सुबह ही वीडियो, कल निरंतर बैठकर रात को एक एनालाइज करी, मैंने कहा कैसे समझाया जाए कि भाई IEX से हम रखें होल्ड करें या फिर इसको बेचें खरीदें, किस तरीके से समझें। मैंने अच्छा उदाहरण उसमें आपको समझाया था, फिर एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। हमारे पड़ोस में एक मिठाई की दुकान थी, ये मजाक नहीं कर रहा हूँ सही बता रहा हूँ, उसने कई कारीगर लगा रखे थे अपनी मिठाई की दुकान पर, यानी उसने एक गोदाम सा बनाकर वहाँ वो मिठाई बनाता रहता था, और वो मिठाई बेचकर अपना जीवन यापन कर रहा है, अच्छी दुकान है उसकी, बढ़िया दुकान है।
तो मशहूर भी है वो। तो क्या हुआ, कभी कभी कारीगर उसके आते कभी नहीं आते हैं, कभी आते कभी नहीं आते, कभी अपने गांव चले जाते कभी नहीं आते, तो उससे डिस्टर्ब हो गया चीज़ें। फिर एक चीज़ चल रही है नई नई, क्या शायद आपके शहर में भी चल रही हो, कैटरिंग का काम हो रहा है। वो सारी मिठाइयों के ऑर्डर लेते हैं, वो सारी दुकान पकड़ ली और वो ऑर्डर लेते हैं, भाई ये मिठाई। अब जो बनाने वाला था पहले, जिसकी दुकान थी, वो भी सोच रहा है यार क्यों झंझट पालूँ, वहाँ से वही रेट मिल रहा है। तो क्या हुआ, अगर उसके कारीगर भाग जाएंगे तो क्या उसकी दुकान बंद हो गई? नहीं, उसने क्या हुआ, अब जो मिठाई वो पहले बना रहा था अब वो कहीं बाहर से खरीद रहा है। अब आप कहोगे सर ये मीठा 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 क्यों कर रहे हो, समझो मेरी बात। पहले IEX अपने मूल्य जो निर्धारित करता था बिजली की खरीदने की और बेचने की, यानी क्रेताओं की या विक्रेताओं की, जिस माध्यम से प्लेटफॉर्म में ये चीज़ें होती थी बिजली की खरीद और बेच की, अब वो सरकार कह रही है कि आप नहीं करोगे मार्केट की जो ये रेट थे, हम तय करेंगे, और उसके लिए एक रणनीति बनाई जाएगी जिसका नाम है मार्केट कैपलिंग। और इस न्यूज़ से ये शेयर पहले भी टूटा था और इस बार भी टूटा है, लोगों को डर हो गया। पर लोगों को ये भी समझना चाहिए कि इसके बाजार की हिस्सेदारी 80% से काफ़ी ज़्यादा है, तो बाजार में तो राजा बनकर बैठा है। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, हमारे देश में यानी इंडिया में 3 पावर एक्सचेंज हैं। एक तो IEX है, दूसरा आपको पावर ऑफ एक्सचेंज इंडिया, और तीसरा आपको देखने को मिलेगा हिंदुस्तान पावर। तो हिंदुस्तान पावर तो अभी 2022 से ही आया है, और वो इसलिए आया है, उसे पता है कि भाई यहाँ ज़रूरत है इस चीज़ की, क्योंकि बिजली खरीद बेचने की एक प्लेटफॉर्म और की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अब तीन हो गए, अब तीनों को एक रेट की चीज़ें के साथ सरकार इसके अंदर वो चीज़ें करेंगी। क्या आप मुझे, आप बात बताओ कि अगर मूल्य निर्धारित वाली चीज़ें IEX करता था, तो अगर सरकार कह देगी आपको नहीं करना तो क्या उसका काम बंद हो जाएगा? बिकना तो फिर भी उसकी दुकान से ही है मिठाई, चलना तो फिर भी उसकी दुकान से ही है, हर एक चीज़ खरीद बेच की चीज़ें फिर भी IEX के माध्यम से तो होगी। जो रेट सरकार तय करेगी क्या वो इन कंपनियों को नुकसान करने के लिए करेगी? करेगी, सोचेगी कभी सरकार? कभी नहीं सोचती इस तरीके से। सरकार सोचती है सबको फायदा हो सकता है पहले से थोड़ा कम कमाए, हो सकता है और अच्छा चीज हो जाए, ये तो सरकार के ऊपर है। समझ में आ गई बात? और एक चीज और समझना सर, दिसंबर 2020 के बाद अभी तक का सबसे ज्यादा सेल्स और सबसे ज्यादा प्रॉफिट IEX ने करके दिखा दिया है। तो ये रणनीति आपको समझनी पड़ेगी। वेदांता के बारे में मैं आपको एक चीज बताऊं, जिसका शेयर टूटकर 209 रुपये पे करीब में आ गया 27 सितंबर 2023 को, तो उससे ही इसने बढ़ने की रणनीति वहीं से दिखा दी थी, क्योंकि इसके अंदर कुछ पॉजिटिव संकेत हमारे जो अनिल अग्रवाल जी उन्होंने डाल दिए थे कि हम अपनी इस कारोबार को अलग अलग शिफ्ट करेंगे। तो उस न्यूज के असारे सारे 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 करके ये शेयर आपको आज 263 रुपये करीब का मिल रहा है वेदांता, क्योंकि उस न्यूज में ये चीज़ थी कि ना तो निवेशकों का नुकसान, ना सरकार का, ना अन्य निवेशकों का नुकसान, इस तरीके से जो ये कारोबार को अलग अलग करेंगे, तो वो एक पॉजिटिव ट्रिगर था, और वो पॉजिटिव ट्रिगर जल्दी से नहीं होगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना, काफ़ी दिन हो गए लेकिन अभी वो चीज़ तो नहीं हुई, पर वो होगी जब रणनीतियों के साथ वो काम होगा। तो उस रणनीतियों के साथ इसे तो अभी तक पॉजिटिव समझना है। अभी इसने अपने मुनाफे में कर दी है कमी, और रिजल्ट इसने दिसंबर 2023 में करीब 35,541 करोड़ रुपए की सेल्स और करीब 2,868 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर दिया, जो पिछले साल की तुलना में प्रॉफिट इनका कम आया है, पर सेल्स इन्होंने पिछले बार से ज्यादा की है। अब हम इसका क्वार्टर टू का अगर हम अनुमान लगाएं तो उससे इन्होंने सेल्स भी जो है कम कर दी है। सितंबर 2023 में इनकी जो सेल्स हुई थी वेदांता की करीब क्वार्टर टू में 38,945 करोड़ रुपए करीब की हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी 915 करोड़ रुपए का कंपनी को लॉस था। तो भले ही इन्होंने मुनाफे में कमी कर दी हो, लेकिन पिछले बार से सेल्स कम किए, लेकिन इस बार इन्होंने 2,868 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रॉफिट किया है ना। तो आपको ये समझना है कि अभी जो न्यूज निकल कर आ रही है वो आ रही है कि वेदांता ने अपना मुनाफा कम कर दिया है। तो मुझे हिसाब से तो ये लग रहा है कि ये शेयर थोड़ा सा हल्का सा डाउन हो सकता है, हल्का सा, लेकिन पॉजिटिव संकेत है वो आपको समझकर चलना पड़ेगा, क्योंकि पिछले बार लॉस से तो इस बार इन्होंने प्रॉफिट ही किया है ना। तो वो आपकी एक रणनीति होनी चाहिए किसी भी शेयर को समझने के लिए।
जब ये अपना आप ही ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा जब अपने कारोबार को अलग अलग चीज़ों के साथ करेंगे। तो जल्दी से किसी चीज़ को पकड़ने की मनसा ना पकड़ें, जल्दी से कोई न्यूज़ आपके सामने आए तो उसे समझने की स्थितियाँ पकड़ें। एक चीज़ आपको बताऊं, ये न्यूज़ न्यूज़ कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके कानों में भी एक न्यूज़ निकल कर आई होगी कि LIC 9.99% का स्टेक HDFC बैंक में लेने की मंजूरी RBI के थ्रू मिल गई है। ये किस किस को निगेटिव या किस किस को पॉजिटिव न्यूज़ लग रही है? देखो सर, ये सबको पॉजिटिव न्यूज़ लग रही है, पर इस न्यूज़ के भी माध्यम हम समझेंगे। न्यूज़ तो सबके पास आएगी, पर उसकी साइकोलॉजी किसके पास आएगी? सबसे पहले आप एक चीज़ समझो, HDFC बैंक हमारे देश का बड़ा बैंक है और HDFC USA ADR जो था वहाँ पर गिरावट, उसके बाद इन्होंने यहाँ पर भी अच्छी खासी गिरावट कर दी है। करीब ये 1679 रुपये से टूट कर जब ये न्यूज आई तो लगातार ये 1427 रुपये करीब टूट गया और करीब 1679 से करीब 1427 यानी कि 252 रुपये ये कम हो गए। ये मौका है या धोखा है? और अब शेयर जो मिल रहा है 1440 रुपये करीब का मिल रहा है। और कल ही एक न्यूज़ बहुत पॉजिटिव आई है जिसके अंदर LIC है। तो क्या LIC की न्यूज़ के साथ आप इसको बहुत पॉजिटिव संकेतों के साथ देख रहे हो? देखो सर, LIC क्या है? LIC 5 साल, 10 साल, 15 साल रुकेगा। आपने न्यूज़ देख ली पर न्यूज़ को समझा नहीं, न्यूज़ को फिर समझो। मैं समझाता हूँ कि HDFC बैंक में जिस तरीके से LIC की पहले 31 दिसंबर 2023 तक करीब 5.19% की हिस्सेदारी थी, अब उसको वो 9.99% की करने के लिए RBI से मंजूरी उसको मिल गई है। पर 24 जनवरी 2025 तक, 24 जनवरी 2025, और अब क्या चल रहा है 2024, यानी कि एक साल के अंदर होगा ये काम। आप सोच रहे हो कि कल ही कर लेगा ये पूरा, एक साल के अंदर इस तरीके से अपनी होल्डिंग को बना सकता है। तो अब क्या हो गया, ये एक साल का शेयर हो गया अब आपके लिए। अगर आप सोच रहे हो इस न्यूज से आप खरीदोगे, धोखे खाओगे। क्यों खाओगे? क्योंकि इस न्यूज से मंडे तो तेजी दिखा सकता है पर घूम फिर के ये फिर धीरे 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 धीरे, क्योंकि इस न्यूज से आपके जेब से पैसे निकलेंगे क्योंकि LIC ने इसको अपनी होल्डिंग बढ़ाने के लिए चीजें के साथ आई है। पॉजिटिव, पर ये पॉजिटिव है लंबे समय के रखने के लिए हो गया ये पॉजिटिव। जो इसको मंडे ट्यूसडे या इस एक दो महीने के अंदर खरीदना चाह रहे हैं उनका विषय एक साल का होना चाहिए क्योंकि एक साल के लिए ही 9.99% की चीजें LIC ने देखी है। और कल को आप इससे खरीद के फिर ये गिरना शुरू हो, आपको LIC ने खरीदा था भाई? LIC तो अपने हिसाब से चलेगा ना। LIC यहाँ पर सबसे बड़ा एक बीमा कंपनी है और LIC ही सबसे बड़ी एक ऐसी कंपनी निवेशक है जो सबसे ज्यादा निवेश करने में नंबर वन है इंडिया में। LIC को आपने उस नजरों से भी देखा जब LIC ने अडानी ग्रुप के शेयरों के प्रति जो अपनी प्रतिक्रिया अपनी होल्डिंग की बनाई और उसके बाद जब हिडन ब्रेक की चीजें आई तो अडानी ग्रुप के शेयर नीचे गिरे। वहां पर सबसे ज्यादा LIC को फोकस में विपक्ष ने किया था। क्या वहां पर LIC और ये अडानी ग्रुप आपको निगेटिव लग रहे थे? वहां से ये पॉजिटिव थे। क्यों थे? क्योंकि LIC एक बहुत बड़ा, LIC जो भी चीज़ करेगा सोच समझ कर करेगा। हिडनबर्ग वाली चीज़ें आपको पता ही थी, बाद में वो कुछ ना कुछ चीज़ें होनी थी, उसके बाद भी जब इतनी चीज़ों के साथ शेयर नीचे गिरते गए तो वो चीज़ होती पोजीशन की, पर वहाँ लोग निगेटिव समझ रहे थे। आज क्या हुआ? आज उसी कंपनी से LIC प्रॉफिट में है। अब इसी तरीके से LIC जब अपनी मनसा अपने होल्डिंग को बढ़ाने की HDFC बैंक में कर रहा है तो हो सकता है ये और भी नीचे आए। और आप कहोगे यार LIC ने तो 9.99% की चीज़ें कर रखी है, वो एक साल के लिए थी, तो उसके अंदर आपके दिमाग टूटेंगे। ये समझने वाली चीजें होती हैं, ये साइकोलॉजी होती हैं। ये तो आपको पता है देश का सबसे बड़ा बैंक, सबसे अच्छा चीजें, उसके बाद लोगों को अब शक हो रहा है जब ये गिरने की चीजों के साथ शक के घेरे में है कि अगर इसे कल खरीदूं तो बहुत ऊपर जाएगा, अगर इसे कल खरीद लिया तो मैं फंस ना जाऊं मनी मंडे को। तो दोनों चीजें चल रही है आपके दिमाग में। क्यों? क्योंकि काफी शेयर गिर गया है ना। मैंने एक चीज समझाई थी, जब शेयर गिरता है तो वहां मौके होते हैं
और वो मौके जल्दबाजी वाले नहीं होते, वो लंबे समय के ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। यानी कि शेयर नीचे गिर गया तो आप सोचो कि वो तो सबको दिख रहा है, आस पड़ोस के लोगों को शेयर नीचे गिर गया है। तो यहाँ से HDFC बैंक मजबूत है, LIC मजबूत है, और हमारा दिमाग मजबूत होना चाहिए, तब जाकर आप इनकी चीज़ों के साथ कुछ फ़ायदा उठा सकते हो। इस साइकोलॉजी से आपके दिमाग में आया कि जल्दबाजी शॉर्ट की चीज़ों के साथ नहीं देखनी है, और अगर आपको HDFC बैंक बेकार लग रहा है तो ये गलत बात है। HDFC बैंक लंबे समय की स्थितियों के साथ इसलिए भी मजबूत हो गया क्योंकि एक साल के अंदर LIC 9.99% की हिस्सेदारी इसके अंदर बढ़ाएगी, तो उसके लिए वो समय आपके पास 12 महीने का मेरे हिसाब से होना चाहिए। बाकी आपको क्या समझ में आ रहा है सर, मुझे भी आप एक बार समझाना है ना। ज़रूरी नहीं कि मैं जो अपनी साइकोलॉजी बना रहा हूँ हर वही सही होगी, ज़रूरी कोई है? मैं कह रहा हूँ कि मार्केट गिरेगी, ज़रूरी कोई गिरेगी? पर वो आपको देखना है। पर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, यही न्यूज़ कल रात को आते ही जो निवेशक HDFC बैंक को लेने के लिए कूदे क्योंकि उनके दिमाग में आया कि LIC ने अपने स्टेक बढ़ाने की चीज़ें है, तो बहुत पॉजिटिव है। निगेटिव न्यूज़ तो कभी आपके जेब से पैसा नहीं निकालेगी, पॉजिटिव न्यूज़ निकालेगी। सिलेक्शन कीजिए शेयरों का, HDFC बैंक को मंडे ले रहे हैं तो सिलेक्शन कीजिए कि मैं इसको SIP के द्वारा लूँगा और लंबे समय के द्वारा लूँगा। LIC ले रहे हो तो LIC को इसलिए समझिए, ये एक बड़ा बीमा कंपनी, अच्छा अच्छा निवेश कई कई कंपनियों में करती है, ये बेस्ट शेयर होते हैं। ये LIC जैसे HDFC बैंक जैसे अच्छे शेयर होते हैं क्योंकि इनके अंदर अभी गिरावट की वजह से आपको चीज़ें बेकार लग रही थी, और LIC भी IPO के बाद जितना आपको रुला के गया है वहाँ पर अगर आपने मेरी वीडियो देखी होती तो आपके आंसू न गिरते उसके अंदर, आप समझते उस कहानी को। और आज LIC आपको कहाँ मिल रहा है, और LIC अब कब अच्छा होगा? लोग कह रहे हैं सर ये LIC और आगे तक भाग सकता है, बिल्कुल इलेक्शन के बाद देखना इसे आप, बहुत अच्छी रणनीतियों के साथ मिलेगा ये, है ना। तो मैं कभी भी किसी को टारगेट नहीं बताता, पर मैं समझाता हूँ उसको ताकि उसे अंदरूनी तरफ से समझ में आए। अंदरूनी तरफ से जिस चीज़ को अगर आपने समझ लिया वहाँ पर आपको बहुत चीज़ें अच्छी होंगी। आज मैंने आपको धोखे वाली चीज़ें, आज मैंने आपको दिल को तोड़ने वाली चीज़ें, दिल को संभालने वाली चीज़ें, आज मैंने आपको पोर्टफोलियो को संभालना, पोर्टफोलियो को बर्बाद करने वाली चीज़ें, और आज मैंने आपको न्यूज के आने के बाद उसकी सारी समीक्षा वाली चीज़ों के सारे आपको मैंने समझाया। अब बात करेंगे JP पावर की, और JP पावर की बात इसलिए भी करेंगे क्योंकि JP पावर थोड़ा सा रंगीनता की ओर है और अच्छा खासा इसने उछाल करके हमें दिखाया भी है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, दो क्वार्टर से जो JP पावर अपना प्रॉफिट प्रस्तुत कर रहा है वो एक अपने आप में काबिले तारीफ है। अब क्वार्टर 3 का जो इसका रिजल्ट आने वाला है, मैंने आपको ये पहले भी बताया था, वो हमारे लिए काबिले तारीफ होगी अगर ये शेयर यहाँ पर अपने प्रॉफिट को बढ़ाकर अच्छी सेल्स करके हमारे सामने प्रस्तुत कर दे, वो एक ट्रिगर पॉइंट होगा इसका, है ना। वहाँ आपको ध्यान रखना है कि लगातार जिस कंपनी ने प्रॉफिट दे दिया तो वो कंपनी बन जाएगी JP पावर, जो इस छोटे से पेनी स्टॉक की चीज़ें बता रहा हूँ मैं, बाकी तो देती हैं लेकिन इस चीज़ की इसकी बता रहा हूँ कि दो बार इसने अपना प्रॉफिट प्रस्तुत कर दिया, तीसरी बार अगर कर दिया तो ये हैट्रिक बन गई ना, कि अपने आप में ये एक वैल्यूबल चीज़ होती है। देखो ना सर, ये आपको समझना है। मार्केट कैप भी अगर इसकी आप देखें तो 11,000 तक के कूद गई इसकी मार्केट कैप, इससे ऊपर भी गई थी लेकिन अब शेयर जहाँ वहाँ 11,000 तक के इसकी मार्केट कैप कूद रही है। तो कंपनी ने दो क्वार्टर में प्रॉफिट दे दिया, इस क्वार्टर की हमें तलाश है। दूसरा, अपने रिजर्व को ये बढ़ाते जा रहे हैं और अपने कर्जे को कंपनी कम करती जा रही है, तो ये भी सबसे इम्पोर्टेंट बात हो गई, तो यही तो चीज़ देखी जाती है। दूसरा, कोयले की इनकी माइनिंग भी है। तीसरा, थर्मल पावर में ये काम भी करती है। चौथा, कोयले में कितनी ज़्यादा वीडियो मैं आपके लिए बना चुका हूँ जहाँ पर मांग बढ़ना और कोयले से थर्मल पावर जो चलता है उसके डिमांड बहुत ज़्यादा आगे तक होगी, ये तो हमारे बिजली मंत्री ने हमें बताया है। तो जब कोयले से कुछ चीज़ें होंगी और अच्छी बिजली उत्पन्न होगी तो फिर थर्मल पावर वाले शेयरों में क्यों नहीं रंगीनता होगी, ये आपको समझना है। पर इसी पे भी एक पुष्टि जो कर दी है रेटिंग एजेंसी इकरा ने कर दी, उसने कह दिया वित्त वर्ष 2025 में करीब 69% तक की क्षमता जो थर्मल पावर वाले प्लांट हो जाते हैं उनकी क्षमता से जो चीज़ें उत्पन्न होगी वो 69% तक हो जाएगी। तो ये ज़रूरी नहीं कि ये JP पावर के लिए न्यूज है, ये आपको कोयले के पे भी विशेष
तौर पर दिमाग डाल रही है, अडानी पावर में डाल रही है, टाटा पावर में डाल रही है, रतन इंडिया पावर में डाल रही है, और आपका डाल रही है जेपी पावर में। क्योंकि एक रेटिंग एजेंसी वाली चीज़ें ही उस चीज़ को रेटिंग देख करके देती है जो चीज़ उनको मुनाफे की तरफ दिख रही है, नहीं इंक्रीज होती हुई दिख रही है तो वो अच्छी रेटिंग देंगे, अगर डिक्रीज होती हुई दिख रही है तो वो रेटिंग खराब देंगे। छोटी सी बात है, उलझना ही नहीं। तो उन्होंने थर्मल पावर के ऊपर अच्छी रेटिंग दी है, तो वो आपको समझना है कि क्या आपके पास एक दो साल और हैं पावर की चीज़ों को अच्छी बुलंदियों पे देखने के लिए, तो वो आपको बेटर करना है ना। ये सारी आज मैंने आपको जो वीडियो बनाई है सब की सब, ऐसे मेरी सारी साइकोलॉजी भी वीडियो होती है, समझने वाली होती है, घर की स्थितियों को समझने वाली, बाहर की स्थितियों को समझने वाली, अपने में बदलाव करने वाली सारी चीज़ें होती हैं। तो IEX अगर मूल्य भी निर्धारित नहीं करेगा तो सरकार तो करेगी, और सरकार करेगी तो क्या ये सरकार के जो चीज़ें करेगी उसे मानेगा? नहीं मानेगा भाई। और मानेगा तो क्या करेगा, बिजली को खरीदेगा, बेचेगा, फिर क्या होगा, दो चार महीने पाँच छः महीने इस शेयर को देने पड़ेंगे, है ना, यानी कि देने पड़ेंगे शेयर को। कहीं सोच लो मंडी खरीद लूँ, देने पड़ेंगे एक साल इसको अभी। तो अब आपको ये भी मैंने आज आपको समझा दिया, वेदांता का जो मुनाफे में कमी आई है पर सेल्स और इसकी जो चीज़ें हमें आगे के लिए दिख रही हैं हमें तो पॉजिटिव दिख रही है, थोड़ा सा गिरावट की स्थितियों में वेदांता आ सकता है। तीसरा आपको देखना है कि LIC अपनी जो होल्डिंग 9.9% देश के बड़े बैंक HDFC बैंक में बढ़ाने की जो अनुमति RBI से मिली है तो वो एक साल के अंदर वो चीज़ों को करेगा, तो वो भी एक बेस्ट शेयर है। HDFC बैंक का शेयर इतना ज़्यादा टूटने के बाद आपके और मेरे दिमाग में आ रहा है इसको खरीद लो, और जिसके दिमाग में खरीदने की चीज़ें आ रही है बिल्कुल सही है, पर उसके अंदर वो गलत है कि अगर आप शॉर्ट टर्म इसको देखोगे, लंबे समय के लिए तो ये चीज़ें अच्छी होती हैं। तो सारी स्थितियों को आपको समझ कर चलना पड़ेगा, अपने पोर्टफोलियो को संभाल कर रखें, अपने प्रॉफिट को संभाल कर रखें और अपने मन की स्थितियों को संभाल कर रखें। किसी के भी कहने पर शेयरों को खरीदे बेचे बिल्कुल भी ना, और किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी स्थितियों को बहुत अच्छा कीजिए, अध्ययन अच्छे तरीके से कीजिए, न्यूज़ को बारीकी से पढ़िए, क्योंकि न्यूज़ ही सब कुछ पासा पलट देती है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।